हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ बिन इश्यू। आज का हमारा टॉपिक है फोर फेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में दिया गया था। ये लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पहला जो फेज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो था टेक्स्टुअल अप्रोच, मतलब बहुत ही प्लेन मीनिंग दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया था। अगर हम सिंपली समझें तो पहले क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशन दिया जाता था। जैसे जो पार्ट थ्री है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बहुत ही प्लेन मीनिंग दिया गया था। जैसे हमने देखा था इन द केस ऑफ ए के गोपालन, वहाँ पे क्या हुआ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज किया गया था। कहा गया था कि अगेंस्ट में है आर्टिकल 19, 21 और आर्टिकल 22 के। कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये तीनों ही एक साथ रीड नहीं किए जाने चाहिए, ये तीनों अलग अलग आर्टिकल्स हैं और ये अलग अलग एरिया, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर को कवर करते हैं। तो जो हमारा पहला फेज था कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, वो बहुत ही टेक्स्टुअल बेसिस था, हर चीज़ को बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशन किया जाता था। जो हमारा सेकेंड फेज आया वो था स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसमें क्या था, यहाँ पे कोर्ट समझ गई थी कि हमें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या लिंक है, इसको देखना पड़ेगा, उन लिंक्स को अटैच करना पड़ेगा और फिर एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। मतलब हम किसी भी आर्टिकल को आइसोलेशन में रीड नहीं कर सकते हैं। इसी के द्वारा एक डॉक्ट्रिन है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा गया। ये आई केशवानंद भारती केस में, स्ट्रक्चरल अप्रोच के बेसिस पे ही ये जो है केशवानंद भारती केस में ये वाली डॉक्ट्रिन आई। साथ ही उस समय वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया आर्टिकल 21 को, जिसमें हमने मेनका गांधी का केस देखा जहाँ पे बताया गया राइट टू लाइफ को एक बहुत ही वाइडर मीनिंग उसका बताया गया। तो ये था सेकेंड अप्रोच जो था स्ट्रक्चरल अप्रोच। तीसरा जो हमारा फेज आया कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में वो था एक्लेक्टिक अप्रोच। इसमें जो एक बात थी, इस समय हमने ऐसा देखा कि बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए, जैसे नंबर ऑफ जजेस थे वो इंक्रीज़ हुए 8 से 31। साथ ही हमने देखा अब जजेस इंक्रीज़ हुए तो डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचेस बनाई गई, बेंचेस भी इंक्रीज़ हो गए। साथ ही हमने देखा कि जो कोर्ट है उसका अप्रोच जो था, जो उसका मेन काम है, वो उससे थोड़ा लॉस्ट दिखा इस समय। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा थी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इन्वायरमेंट के कंसर्न्स हुए, जो गवर्नेंस सब बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया। तो इस वजह से जो मेन काम था कोर्ट का वो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट दिखा और बहुत ही सारे फील्ड्स को एक्चुअली कोर्ट ने कवर करने की कोशिश करने लगा था। बहुत ही डाइवर्सिफाई फील्ड को जब वो कवर करने लगा तो उसकी अप्रोच बहुत ही क्लियर तरीके से नहीं आ रही थी। जो फोर्थ अप्रोच थी वो थी पर्पस अप्रोच। अब क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसका जो फोर्थ इंटरप्रिटेशन जो एक तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन का, अपनाया गया पर्पस अप्रोच। पर्पस अप्रोच में ये देखा गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी आर्टिकल को लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे फोर फादर्स का, हर आर्टिकल का एक रियल इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोच के किसी आर्टिकल को रखा है, इन सब के बीच का लिंक्स क्या है। इन सब को जानने के बाद ही उसका पर्पस, बेसिकली उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसे जानना फोर्थ फेज में आ गया। जैसे कि हमने देखा है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री सेक्शन 377, ये इसी अप्रोच के रिजल्ट हैं। तो ये थे चार अप्रोचेस जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कैसे कैसे किया। थैंक यू।